Art School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में कोविड सेंटर बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों को सुविधाएं मिल सके। इसी को देखते हुए बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों के बीच जिला साबा की 101 पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। इन सभी आइसोलेशन सेंटर्स में 5 बिस्तरों की सुविधा व दवाइयां उपलब्ध हैं, परंतु इन आइसोलेशन सेंटर्स में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा नहीं है। वहीं पंच सरपंचों ने जानकारी दी कि अगर कोई मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, प्रशासन को इस बारे में सुध लेनी चाहिए। चम विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव जोगमा के कम्युनिटी हॉल में 5 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास अलग से आइसोलेट होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनके परिवार में से कोई कोरोना से संक्रमित हो जाए तो पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाएगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए जोगमा में 5 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऐसे परिवार से कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसे कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और समय पर टीकाकरण करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि देश विरोधी तत्व झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी अफवाहों से बचें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कश्मीर घाटी में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के बीच भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के पहनू गाँव में एक कोविड 19 जागरूकता कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कदम का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों में कोविड 19 के लक्षणों और महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। जागरूकता के बाद एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के गांवों के लोगों का फ्री चेकअप और फ्री दवाइयां, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों ने इस पहल के लिए भारतीय सेना की सराहना की। जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने रायपुर दुमाना विधानसभा के ब्लॉक बलवाल के गांव पुरखू में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाकर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब गांव के किसी को जो कोरोना पॉजिटिव है उसे ऑक्सीजन के लिए शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए बीजेपी द्वारा स्थापित कोविड 19 सेंटर्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। इन सेंटरों में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे बेड, ऑक्सीजन, खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां व अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोई परेशानी न हो। कश्मीर घाटी के जिला अंतना के लादनू में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ कोविड के टीकों की उपलब्ध न होने से अभियान को रोक दिया गया था, परंतु कोविड शील्ड वैक्सीनेशन की नई खेप पहुँचने के बाद टीकाकरण अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया है। कश्मीर के अन्य हिस्सों में भी टीकाकरण में तेजी आने की उम्मीद है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन चल रहा है। प्रशासन द्वारा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, घर पर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने जैसे अनेकों एसओपी जारी किए हैं, लेकिन प्रशासन की खुद की बात आती है तो सब कुछ फेल नजर आता है। सब एसओपी धरे के धरे रह जाते हैं। डीआरडीओ द्वारा 500 बिस्तरों का अस्पताल भगवती नगर में लगभग तैयार हो चुका है। इसमें भर्तियों का सिलसिला जारी है। आवेदन देने के लिए हजारों युवा अस्पताल पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के नाक के नीचे धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन के खुद के सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हीं के प्रांगण में मजाक बना रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई सोशल डिस्टेंसिंग रखने की। आप खुद देख लीजिए लंबी लंबी कतारें और मुख्य द्वार पर भीड़ जो प्रशासन पर सवाल या निशान लगा रहा है। जम्मू में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भगवती नगर में निर्माणाधीन डीआरडीओ अस्पताल को इंजीनियरिंग का
नायाब नमूना करार देते हुए कहा कि डीआरडीओ ने रिकॉर्ड समय पर 500 बेड का अस्पताल लगभग तैयार कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि इस अस्पताल में योग्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि जम्मू के लोगों को इस अस्पताल में उचित उपचार मिल सके और जम्मू में कोरोना से हो रही मौतों पर अंकुश लग सके। चैंबर्स के प्रधान अरुण गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने डीआरडीओ अस्पताल का दौरा कर ये बात कही। शहरों से अब ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को तार लगाकर बैरिकेड्स कर दिया है। गांव की ओर जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां जा रहे हैं और कहां के रहने वाले हैं। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है जिसके चलते वहां इस महामारी के तेजी से फैलने की आशंका है। यूटी जम्मू कश्मीर सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है ताकि इस महामारी से लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। लोगों की सहूलियत के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किराना, फल, सब्जी, दूध, दही की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है ताकि लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत न आए। परंतु देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। बाजारों में सब्जी फल खरीदते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये नजारा शहर की कई कॉलोनीज और मोहल्लों की सब्जी मंडी में देखने को मिला है। कई बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। आम जनता को जागरूक होना होगा, खुद पर जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी इस महामारी पर जीत पाई जा सकती है।